नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं ह्युंडई वेन्यू के छोटा बदमाश के बारे में, जो कि है ह्युंडई वेन्यू नाइट एडिशन। तो गाइज, इस ह्युंडई वेन्यू को नाइट एडिशन इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस ह्युंडई के फ्रंट में हमें ऑल ब्लैक ग्रिल देखने को मिलती है विथ ब्लैक ह्युंडई लोगो के साथ। और भाई, इसमें व्हाइट और ब्लैक में इसकी जो लुक आती है ना, वो भाई एक नंबर, मतलब भाई क्या एक नंबर लुक आती है इस ह्युंडई वेन्यू नाइट एडिशन की। अगर हम बात करें ह्युंडई वेन्यू नाइट एडिशन के प्राइस के बारे में, तो इस कार की जो प्राइस है वो है लगभग 10,08,000 रुपए एक्स शोरूम। अगर ऑन रोड प्राइस की, तो ह्युंडई वेन्यू नाइट एडिशन की जो प्राइस है वो लगभग हमें ऑन रोड पड़ती है 11,80,000 रुपए। ह्युंडई वेन्यू में हमें जो ब्रेक ग्लेयर, तो गाइस इस ब्लैक ग्रिल की वजह से हमारे जो ह्युंडई वेन्यू नाइट एडिशन जो है ना, वो काफी ज्यादा ऐसी चौड़ी फील होती है। अगर हम बात करें इस गाड़ी के विड्थ के बारे में, तो 1770 मतलब 1770 mm हमें इस गाड़ी के विड्थ जो है वो देखने को मिलती है। और भाई, इस गाड़ी में हमें जो टॉप वेरिएंट में जो हमें हेडलाइट मिलते हैं ना, वही हेडलाइट हमें इस एस ऑप्शनल नाइट एडिशन में देखने को मिलती है। मतलब भाई, हमें कुछ अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है, मतलब ठीक ठाक अच्छे खासे लाइट हमें टॉप वेरिएंट के इस एस ऑप्शनल नाइट एडिशन में देखने को मिलते हैं। और भाई, इसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है, विद एलईडी और कॉर्नरिंग लैंप भी हमें इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी की अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें, तो इस गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है वो है 3995 मतलब 3995 mm इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो हमें देखने को मिलती है। विद 15 inches व्हील हमें इस गाड़ी में देखने को मिलती है, और इस व्हील की जो साइज है वो बड़ी है, मतलब हम इस गाड़ी में हमें कम्फर्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। और भाई, इस प्रोफाइल की बात करें टायर प्रोफाइल की, तो 195/65 R15 के टायर प्रोफाइल हमें जिस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। इस ह्युंडई वेन्यू नाइट एडिशन में हमें जो ORVM देखने को मिलते हैं ना, तो वो पूरी तरह से ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक देखने को मिलती है। और उसमें हमें जो इंडिकेटर है वो LED इंडिकेटर मिलते हैं, और भाई वो भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। मतलब भाई, इस गाड़ी में इतने फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब भाई ठीक ठाक फीचर, अच्छे से अच्छे फीचर्स हमें इस ह्युंडई वेन्यू नाइट एडिशन में देखने को मिलते हैं। और भाई, अगर हम बात करें रूफ रेल की, तो इस गाड़ी में हमें रूफ रेल भी देखने को मिलते हैं, वो भी ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक कलर में। और इस गाड़ी की स्पेशलिटी ये है कि इस गाड़ी में हमें जो हाईलाइट है ना, वो ऐसे ब्रास कलर जो होता है ना, ब्रास कलर, तो ब्रास कलर में काफ़ी जगह इस गाड़ी में हमें हाईलाइट्स देखने को मिलते हैं, ताकि थोड़ी मतलब ऐसे अलग लुक इस गाड़ी की आ सके। तो गाइज, इस कार में हमें 45 लीटर की पेट्रोल टैंक देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। बंद कर आवाज। ऐसा भी इस कार के साथ कि जो जिन लोगों को क्रेटा पसंद आती है ना, मतलब जिनका ड्रीम होता है क्रेटा, लेकिन बजट के हिसाब से वो नहीं ले पाते, तो वो लोग ह्युंडई वेन्यू को क्रेटा के एक्सचेंज में मतलब पसंद करते हैं, क्योंकि भाई ये लगभग क्रेटा के जैसे ही दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस तो आता है। ह्युंडई वेन्यू नाइट एडिशन के बैक प्रोफाइल की बात करें, तो बैक प्रोफाइल में नाइट एडिशन का जो लोगो है वो कुछ डिफरेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है, और वो अलग सा हाईलाइट किया गया है, ताकि लोगों को पता चले कि ह्युंडई का जो नाइट एडिशन भी ये वेरियंट हमारे इंडिया में अवेलेबल है। और भाई, हमें सेंटर में ह्युंडई का लोगो देखने को मिलता है, और वेन्यू जो हाईलाइट किया गया है ना, तो बैक साइड में हमें वेन्यू क्रोम में लिखा मिलता है, ताकि वो अलग से थोड़ा बहुत हाईलाइट हो सके। सो गाइज, इस कार के हमें बैक साइड में कैमरा भी देखने को मिलता है, वाइपर तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन डिफॉगर अवश्य ही आपको इस कार के बैक साइड में देखने को मिलेगा। और भाई, एंटीना जो मिलता है ना, वो भी ग्लॉसी ब्लैक में हमें इस कार में देखने को मिलता है। कार के इंटीरियर के बारे में, तो ऑल ब्लैक इंटीरियर हमें इस कार में देखने को मिलता है, विद सॉफ्ट टच, और ऑल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर इस कार में हमें देखने को मिलते हैं। सो गाइस, तो इस ह्युंडई वेन्यू नाइट एडिशन में हमें अच्छी खासी सीटिंग पोजिशन देखने को मिलती है, मतलब हम जैसे उसमें बैठेंगे ना, तो SUV जैसी फील भी आएगी भाई। उसके साथ ही हमें चारों डोर्स में चार स्पीकर देखने को मिलते हैं, विद दो ट्विटर के साथ। दो ट्विटर भी इस गाड़ी में हमें भाई देखने को मिलते हैं, अच्छी खासी साउंड, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक हमें साउंड की जो क्वालिटी है वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है, विद 195 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। तो दोस्तों, इस ह्युंडई वेन्यू नाइट एडिशन के जो स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग के सेंटर में हमें ह्युंडई का लोगो देखने को मिलता है, विद क्रोम के साथ। उसके साथ ही स्टीयरिंग पे माउंट कंट्रोल देखने को मिलता है, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में हमें देखने को मिलता है भाई। और भाई, 8 inch का HD डिस्प्ले हमें इस गाड़ी में मिलता है, जो कि एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायरलेसली अच्छे तरीके से इस कार में वर्क करता है। इस कार में हमें ABS, EBD, ESP जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। और भाई, अनएक्सेप्टेड सिचुएशंस पे ये जो फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और भाई, ह्युंडई अपने प्रीमियमनेस और फीचर्स के लिए ही जानी जाती है। 350 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, और भाई सबसे मेन बात है वो है इस गाड़ी का इंजन।
तो Hyundai Venue में हमें 1.2 लीटर 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 83 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और वो 114 mm का टॉर्क इस कार में हमें देखने को मिलता है। और भाई यही वजह है कि Hyundai अपने इंजन को बहुत ज़्यादा साइलेंट रिफाइन रखने में मदद करता है। भाई तो इस गाड़ी का इंजन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है और रिफाइन है। सबसे मेन बात है वो है माइलेज, आखिर ये कार कितने का माइलेज देती है। तो गाइज कंपनी जो क्लेम करती है ना वो करती है 17 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो 16-17 का एवरेज ये कार हमें दे देती है। सो गाइज तो कुछ यही कहानी थी Hyundai Venue नाइट एडिशन की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस मंथ में हमें 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। और भाई अगर आप भी अपने कार का रिव्यू करना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप अकोला के आसपास रह सकते हो तो आप हमारे चैनल पे अपनी कार लेके आ सकते हो और अपना एक्सपीरियंस ऑडियंस तक शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।